जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं। आज फिर आपके लिए आप लोगों के लिए फिर से लेकर आए हैं मैथ का मॉक टेस्ट, जो कि आपको रेलवे और यूपी पुलिस के लिए एग्जाम होने वाले हैं उसमें काम करेगा। रेलवे के सभी NTPC लोको पायलट और टेक्नीशियन, इसके पीछे ग्रुप डी आ रहा है और NTPC भी आ रहा है। बाकी आपका SSC का मॉक टेस्ट चल रहा है, उसमें भी काम आएगा। मतलब आप लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट करिए। अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जितने सारे एग्जाम चल रहे हैं, सबको ध्यान में रख करके उस तरीके से मॉक टेस्ट को तैयार किया गया है। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप तैयारी को जांचें कि कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के थ्रू ही आपसे बातें करते रहेंगे। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारा देखिए प्रॉफिट और लॉस से आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, पैटर्न में, कभी किस चैप्टर से कभी किस चैप्टर से, तो हम उसी को ध्यान में रख के चालू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है, जैसे कहा है किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच आप लोग की क्या होनी चाहिए एग्जाम में, ये करना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें क्या करना होता है कि हमें कहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 38, जो भी कहा है हम उसी को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए कहा है 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, हम जानते हैं विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं हम, SP लिखते हैं, और क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, CP लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 32 SP बराबर क्या क्या है, 38 CP। ठीक है, यहाँ से देखिए CP और SP का रेशियो निकालना चाहे तो हम यहाँ से कटा देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 16 और इससे कटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 19। तो हम कह सकते हैं CP और MP, CP और MP का मान क्या हो जाएगा, सॉरी CP और SP का रेशियो दिया गया ना, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकलेगा। CP और SP का CP कितना हो जाएगा, इसके सामने वाला CP होता है ये 16 हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या होता है, SP होता है, SP 19। तो जो वस्तु है वो 16 का खरीद करके वो 19 का बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है, 16 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हमें क्या करना होता है, गुणा करना पड़ता है, तो हम जानते ही हैं। बाकी अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखिए अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ये 4 चौके 16 और ये जाएगा कितनी बार, 25 बार। ठीक है, और 25 दिया कितना होता है, 75। 75 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, यही याद कर लीजिए, तो कटा कर देते हैं कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और ये बचा कितना, 3 × 4 = 4 और ये बचा कितना, 35 हो गया, 4 × 8 = 32। ठीक है, 4 × 8 = 32 और क्या हो जाएगा, 32 के बाद बचा कितना है, 30, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 18.75%। ठीक, कुछ भी नहीं करना था हमें, CP और SP का रेशियो पता चल गया है तो हम प्रॉफिट या लॉस आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस देखिए किस तरीके से अप्रोच होती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेच दे तो उसे 10% अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी कहा है कि इसमें देखिए पहला लाइन क्या कहा है कि उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर, मतलब कोई अंकित मूल्य है उस पर बेचने पर उसे 18% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझिए, मान लेते हैं कि वो वस्तु का जो CP होगा वो कितना हो जाएगा, CP 100 हो गया है, और हम कहते हैं अंकित मूल्य इसका कितना होगा, तो अंकित मूल्य के लिए हम क्या लिखते हैं, MP। हमें ये पहले ही बोल दिया है कि अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है तब उसे मतलब 18% का लाभ हो रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, मतलब देखिए यहाँ पे CP और MP और SP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इस वाले कंडीशन में उसे 18% का लाभ हुआ है तो वो कितने का समान होगा, वो 118 रुपये उसका क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि अब खुदरा विक्रेता को 18% के लाभ पर प्राप्त होता है, वह अंकित मूल्य पर 10% की अगर छूट देता है तो उसे कितने पर, अगर वो अंकित मूल्य हमारा कितना है 118 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा, ये 100% का मान अगर 118 है तो 10% का मान कितना हो जाएगा, 11.8।
ठीक है 11.8 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसे प्रॉफिट कितने का होगा, तो वो एक्चुअल में दिखाना, ये 111.8 का उसे छूट प्राप्त होगा 118 में से। तो हम 118 में से 11.8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, देखिए 118 में से 11.8 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे जीरो करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 7 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 106.2, ठीक है 106.2, मतलब जो उसका दूसरा वाला जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा 106.2। तो सीपी हमारा कितना है 100 होता है, सीपी हर कंडीशन में 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 100 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा कितना 6.2। तो यही जो 6.2 है इसी का उसे क्या हुआ है, इतने ही प्रतिशत का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है दूसरे वाले कंडीशन पे। जब वो 10% की अंकित मूल्य पर अगर वो 10% की छूट देगा तो उसे जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, तब 6.2 ही होगा। अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता है तो 18% का प्रॉफिट होता है, अगर अंकित मूल्य पर वो 10% का छूट देता है तो उसे 6.2% का लाभ होगा। वो कैसे निकलेगा आप लोग यहाँ से समझिएगा, 100% उसका होता है सीपी होता है, तो उस कंडीशन के लिए एमपी वाला क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। 118 पर 10% का छूट देंगे तो वो कितने का बिकेगा, 106.2 का बिकेगा। जब 106.2 का बिकेगा, 100 का खरीदा है, 106.2 का बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है 6.2 का। तो 6.2 का उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कितने पर हुआ है 100 पर हुआ है। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा होता है, तो हमारा जो 6.2% क्या होगा इसका प्रॉफिट होगा, ठीक। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है समानुपात, तो अनुपात से दिया है, रेशियो से दिया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, इसका अप्रोच क्या होता है। हमारा पहले हमारा दिमाग होना चाहिए, हमसे पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया ए और सी का अनुपात, ए और सी का अनुपात हमसे पूछा गया है। और यहाँ देखिए ए और बी का दिया है और यहाँ पे बी और सी का दिया है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा लिख लेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है ए बी सी, तीन लोग दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह के कंडीशन को आप कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं आप इस तरीके से लगाइए, एकदम क्लियर क्लियर सब कुछ दिखता है इसमें। इसमें कहा ए और बी कितना है 32 है, मतलब ए कितना है 32 और 35, यहाँ से इसका जो रेशियो हो जाएगा 32 और 35 का, ठीक है 32 और 35 का। दूसरा कहा है कि बी और सी का जो रेशियो कितना है वो 21 और 32 का है, ठीक है 21 और 32 का है। तो इस वाले कंडीशन को देखिए, यहाँ पे हमें ए और बी को समझना है, यहाँ 21 यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 21, और यहाँ पे ये वाला खाली है तो इसके बगल वाला लिखा जाता है, ठीक है। अब इसके वाले में से जो कटेगा उसे कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 से कट रहा है, अभी 3 से कटने वाला कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और कुछ हमें यहाँ से कुछ भी कटने वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा अब हम इसी में से होगा, तो क्या होगा देखिए, हमसे पूछा है ए और सी का, ए और सी का, तो ए का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 32 गुणे 21, ठीक है। और दूसरे वाले में हमें सी का पूछा है, सी का कितना हो जाएगा 35 गुणे कितना हो जाएगा 32, ठीक है 35 गुणे 32, तो 32 से हमारा 32 कट जाएगा, ये कटेगा कितने से 7 तरीक 21 और 7 5 35। तो जो ए और सी का ये रेशियो किसका आएगा, ए और सी का, हम अब ए और सी का रेशियो सिर्फ निकाले हैं, हम बी वाले को नहीं लिए हैं, ठीक है, हम सिर्फ इसको ए वाले को ले लिए हैं और ये सी वाले को ले लिए हैं। तो यहाँ से हमारा जो अनुपात निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, ए और सी का, 3 और 5, 3 और 5 कौन सा है देखिए, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसी तरीके से आप लोग करिएगा, कुछ भी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ सामने सामने दिखता रहता है। आप कई तरीके से लगा सकते हैं, आप अलग अलग रख करके भी लगा सकते हैं कि यहाँ से हम बी है, बी यहाँ कॉमन है, बी यहाँ कॉमन है, तो बी वाले को हम समान कर दें, तो ऐसी जरूरत पड़ सकती है कभी। लेकिन अगर हमें इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन लग सकता है तो हम कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक थैली में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे हुए हैं, मतलब 3 कलर के जो टोकन है रखे हुए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात जो है वो 5 और 11 है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात जो है वो 7 और 15 है, तो हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी आपको जिस तरीके से समझाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसमें भी लगा सकते हैं। तो हम देखिए हरे लाल हरे और गुलाबी, लाल के लिए हम रख देते हैं रेड, और हरे के लिए रख देते हैं ग्रीन, और गुलाबी के लिए रख देते हैं पिंक, यही हमारे 3 कलर हो गए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लाल और हरे टोकन का क्या अनुपात है 5 और 11, लाल और हरे का कितना हो जाएगा 5 और 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से कहा है गुलाबी और लाल टोकन का जो अनुपात है यहाँ पे 7 और 15 है, देखिए यही यही समझना है 7 और 15 है। तो हम यहाँ पे देखिए लाल गुलाबी और
गुलाबी और हरे का कहा है ना, यहाँ पे देखिए गुलाबी एवं लाल टोकन का जो अनुपात है वो 7 और 15 है। तो यहाँ पे देखिए यही यही इसमें समझने वाली बात होती है कि यहाँ पे देखिए अब इस तरीके से यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लगा के हम इसको इस तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम पिंक लेंगे, यहाँ पे रेड लेंगे और यहाँ पे गुलाब ग्रीन लेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम नीचे वाले को यहाँ से रख देते हैं गुलाबी और लाल। गुलाबी और लाल का अनुपात कितना दिया गया है, 7 और 15 का। ठीक है, अब क्या दिए दूसरा वाला पहली लाइन को अब पढ़ेंगे, लाल एवं हरे टोकन का अनुपात जो है वो कितना है, 5 और 11। तो किसका किसका बोला है, लाल एवं हरे, लाल मतलब रेड होता है, हरे कितना है, 5 और 11, 5 और 11। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, अब देखिए यहाँ इसके सामने खाली है तो 5 भर देंगे, इसके सामने खाली है तो 15, इसके बगल वाला ही भरा दिया जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका किसका गया है, हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी, हरा ये है गुलाबी ये है। तो पहले हम हरे वाले को लिखेंगे, देखिए पहले हम ग्रीन और पिंक लिख लेते हैं, हरे वाले को लिखेंगे तो 15 गुणे 11। ठीक है, और अनुपात कितना है, 7 गुणे 5, 7 गुणे 5। हमें इसकी का अनुपात याद करना, जो कट रहा है कटा देते हैं, 5 से कटेगा कितनी बार, 5 × 15, तो इसका जो अनुपात आएगा कितना आ जाएगा, 33। 33 रेशियो कितना हो जाएगा, 7। 33 रेशियो 7 जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा, 33 रेशियो 7 जो है वो देखिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी देखिए ये आसान था, इसमें देखिए क्या क्या कॉमन था, यहाँ पर देखिए लाल और हरे टोकन दिया गया है और यहाँ पे पिंक और लाल दिया गया है, तो लाल यहाँ भी था, लाल यहाँ भी था, तो दोनों में हम लाल को बराबर कर लेते तब भी क्वेश्चन को लगा सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा फिर से रेशियो का ही आया है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन मेथड, ऑप्शन को उठाइए उसी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपके आपके पास जो एग्जाम में आप बैठने और मॉक टेस्ट दीजिए और हम एग्जाम में बैठ कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो चीज़ हम आप लोग को अप्रोच सिखा रहे हैं। तो अप्रोच कैसे क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, 5, 6, 8 के अनुपात में सिक्का दिया गया है। ठीक है, हमें ये सिक्के कितने कितने के दिए गए हैं, कुल 60 रुपए हैं जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए को हम लिख सकते हैं 100 पैसे, 50 पैसे और ये किसको लिख सकते हैं, 25 पैसे। ये 3 टाइप के हमारे क्या हो गए हैं, सिक्के हो गए और इनका जो अनुपात दिया गया है 5 और 6 और 8। ठीक है, 5, 6, 8 हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे की जो सिक्कों की संख्या होगी वही हमें ज्ञात करनी होगी, जो कि टोटल जोड़ करके हमारा कितना रुपए होना चाहिए, सिर्फ 60 रुपए होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए पहले तो हमें क्या दिया गया है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 8 है। तो वो जो सिक्कों की संख्या होगी वो 8 से तो बिल्कुल ही कटेगी, क्योंकि उसका जो रेशियो है वो 8 है, 8 का ही गुणज होगा। तो हम देख रहे हैं 8 का गुणज कौन कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये 30 वाला तो गलत हो जाएगा और ये 42 वाला, अब देखिए या तो 32 होगा या तो 48 होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में बस अब हमें दो ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसी में से दो में चूज करना है और आ जाएगा। तो हम देखिए यहाँ से पहले बी वाले को पकड़ते हैं, 48 वाले को। अगर हम मान लें कि जो 25 पैसों की सिक्का है वो कितना है, 48 है, तो देखिए यहाँ से 8 यूनिट का मान अगर हमारा 48 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबका सब में 6 से गुणा होगा, ये हो जाएगा 36, 50 पैसे वाला हो जाएगा और 56, 30 ये 1 रुपए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए पैसों के सिक्कों, अगर हम 30 सिक्का अगर 1-1 रुपए का है तो वो 30 रुपए तो यही हो जाएगा। ठीक है, अब ये 36 सिक्का जो है वो 50 पैसे का है, तो हम जानते हैं कि 2 सिक्के मिला करके 1 रुपए बनेगा, तो 36 सिक्के का मिला करके कितना बन जाएगा, 18 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। प्लस अब देखिए अगर ये 48 सिक्का 25 पैसे का है, तो हम जानते हैं कि 4 × 25 पैसा मिलेगा तब जाके 1 रुपए बनता है, तो ये 48 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ से 12 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए 12, इन टोटल जोड़ करके अगर हमारा 60 आ गया है तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। इन टोटल को जोड़ करके हमारा कितना होना चाहिए, 60 रुपए होना चाहिए। तो देखिए ये 30 हो गया है, 30 18 12 18 12 कितना होता है, 30 30 60, तो देखिए मिलाकर के 60 हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ही सही है। तो हम इसको ऑप्शन को बी मार करके चल जाएंगे। देखिए हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही लेंदी ना बना करके बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझा दिया है, आप ऑप्शन मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, बाकी आप एक्स वाई एक्स मांग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका समीकरण बनेगा 3 ठो, उस 30 समीकरण
क्वेश्चन को अलग अलग हल करेंगे तब जाके आंसर होगा। तो हम आपको वो चीज नहीं बताएंगे अभी, आप लोगों का मॉक टेस्ट चल रहा है तो आप लोग की जो एग्जाम में अप्रोच होगी वही चीज हम आप लोग को सिखाएंगे ताकि आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एक राशि का निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया, इससे 550 रुपये की राशि की प्राप्ति हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई धनराशि जो है वो 5600 होनी थी। ठीक है, निवेश की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वो कितना हो रहा है कि 5200, 5250, बाद में कितना हो रहा है 5600। तो जो अंतर है वो कितने का हो रहा है देख रहे हैं, हमें ये पता चल रहा है 350 का, 350 का हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर साल अगर 2% अधिक मिला होता तो एक साल 2% अधिक तो 5 साल में कितना हो जाएगा 10%। तो ये जो 350 है ये कितने के बराबर हो जाएगा 10%, क्योंकि हम जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल साधारण ब्याज समान रहता है। ठीक है, तो 2% अधिक अगर मिला होता तो एक वर्ष में 2% अधिक मिलता तो 5 वर्ष में कितना हो जाता 10%। यही जो 10% एक्स्ट्रा हुआ है इसी की वजह से जो ये वैल्यू बढ़ी है 350 ये बढ़ गई है। तो हमसे पूछा है कि वह धनराशि की याद कीजिए। धनराशि हमेशा कितनी होती है 100% होती है। 10% का मान अगर 350 है तो 100% मान एक जीरो यहाँ चिपकाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर चिपका देंगे तो हमारा जो 100% का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3500। देखिए हमने ये दो लाइन में, एक लाइन में, एक मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये देखिए रेलवे के ग्रुप डी 4/10/2018 के सीट 1 में पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का जो बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत ही आसान भी है, अगर आप लोग को आता है तो आसान है, नहीं आता है तो कर दीजिए। बाकी आप लोग का जो ये अप्रोच है आप लोग ये अप्रोच को सीखिए, ये आप लोग का एग्जाम में बहुत ही ज्यादा समय बचाएगा। ठीक है, हम उसी उद्देश्य से आप लोग का ये मॉक टेस्ट लेकर चल रहे हैं ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग समझिए कि कोई भी धन अपने में क्या होता है 100% होता है, ये आप लोग को शुरू से ही समझाते आ रहे हैं। अगर वो दुगुना हो रहा है तो इसका मतलब वो दुगुना का मतलब कितना होता है 200%, कितना होता है 200%। ये 100 से 200% होने में कितने परसेंट की एक्स्ट्रा बढ़त हुई है 100%। ये 100% होने में उसे कितने समय लगा है 8 वर्ष लगा है। ठीक है, कितना समय लगा है 8 वर्ष लगा है। और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या होता है समान होता है, तो इस तरीके से हम 8 से भाग देंगे तो हमारा जो रेशियो निकल के आएगा कितना आएगा 12.5% पर ईयर। यही हमारा क्या हो जाता है रेट होता है, एक साल में जितना ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है रेट होता है। तो हमारा जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए RRB रेलवे NTPC स्टेज 2 मतलब इसका होता है मेंस, RRB NTPC मेंस का 15/6/2022 का क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन में छूट भी जाता है कभी कभी। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस तरीके की पूरी गारंटी लेते हैं हम। देखिए 100 से उसे कितना हो गया है 200%, ये 200% होने में उसे कितने परसेंट की एक्स्ट्रा हुई है 100%, ये 100% एक्स्ट्रा होने में उसे कितना समय लगा है 8 वर्ष, तो एक वर्ष में कितना बजे ब्याज मिलेगा 12.5%, यही इसका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 10,000 की राशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होने पर और साधारण ब्याज की बीच का अंतर, मतलब यहाँ पे देखिए कहा है कि 10,000 की तो कोई राशि है 5% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जा रहा है, वो 2 वर्ष में भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमसे पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझिएगा आप लोग CISI में, आप लोग CI में एक सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़े होंगे या सक्सेसिव वाला प्रोसेस आप लोग जानते हैं कि जब छोटा परसेंटर रहता है तो हम सक्सेसिव लगाते हैं। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज होता है 10%। ठीक है, और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ से अगर लगाएंगे 5 + 5 = 5 × 5/100 यही होता है, 5% कितना होता है 10.25% हो जाएगा। 2 वर्ष का जो CI होगा वो कितना हो जाएगा 10.25%। ठीक है, 10.25%। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कितना हुआ है 0.25%, यही अंतर है इसका। ये होता है ये यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा SI हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा CI हो जाएगा, ये 5% के हिसाब से। ठीक है, अगर जब रेट क्या है 5% है तो 5% अगर एक साल का है 2 साल का 10% हो जाएगा, 2 साल का जो CI होगा वो कितना हो जाएगा 10.25। तो हमसे पूछा गया है 0.25% का मान, अगर 100% का मान हमारा दिया है, 100% का मान हमारा कितना दिया है 10,000,
ठीक है। तो हमारा 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0.2525 में हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा CI और SI का अंतर, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। कि बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आप लोग फार्मूला से लगा सकते हैं, आप लोग ट्री मेथड भी लगा सकते हैं, बहुत ही तरीका है CISI को सॉल्व करने का। लेकिन आपको सबसे आसान तरीका, जब भी छोटा अमाउंट दिया जाए, देखिए 10 से नीचे जब भी दे, तो आप सक्सेसिव वाले फार्मूले X+Y वाले से लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 97.2 है। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप लोग जानिए, यही होता है सक्सेसिव में, क्या होता है X+Y+XY/100, ठीक है। ये तो हमारा CI और SI में कॉमन दोनों में होगा ही होगा, ठीक है। जो अंतर होता है ये वाला जो होता है, यही हमारा क्या होता है, अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक निश्चित धनराशि जो है वो 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए प्राप्त हो, तो हम जानते हैं 2 वर्षों के लिए सक्सेसिव निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 9+9 और गुणे 9 बटा 100, ठीक है। तो ये तो हमारा CI और SI दोनों में कॉमन होता है, यही जो होता है यही हमारा क्या होता है, अंतर होता है। हम कह सकते हैं कि 81/100 बराबर हमारा जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 97.2, ठीक है। हमें यही तो अंतर दिया गया है, निवेशित धनराशि हमें कितने का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है, ठीक है। ये हमारा इतने परसेंट का मान है, मतलब 0.81% का मान ये कितना है, 97.2, तो 100% का मान कितना होगा, यही हमसे पूछा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए क्या होता है कि हम लिखेंगे 97.2, ठीक है। अभी हम यहां से निकाले थे कितना आया था, 0.81 का मान हमें दिया गया है, कितना है 97.2, हमें निकालना किसका है, 100 का। तो यहां पे देखिए दो अंक ये है, तो हम यहां से हम एक अंक दशमलव हटाएंगे तो ये एक अंक दशमलव यहां पे आ जाएगा, एक अंक और करेंगे तो यहां पे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 81। अब इसको 9 से कटाते हैं, 9×9=81, और इसको कटाएंगे 9×9 और 9×8=72, 9 से इसको कटाएंगे तो कितना होता है, 12×9=108, ये जाएगा 12 बार में, 12 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1200, कहीं एक सुन्ना ये वाला और था तो एक सुन्ना और आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 12000। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन नंबर D सही होगा, ठीक है। देखिए ये भी रेलवे NTPC CBT 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग अगर कैलकुलेट, आप लोग हमारे अप्रोच को अगर समझ रहे हैं बढ़िया से और इसके प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को मुंह जबानी लगा सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा मान दिया गया था कितना, 0.81 का मान दिया गया था, 100% का मान से पूछा गया था, बस यही निकालना था, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन जो है वह 6 वर्ष की थी, हमारी आयु का औसत 14 है, अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं करना है कि मैं क्या हूँ, मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, मान लेते हैं कि मेरी एक आयु कितनी है, X है, ठीक है। तो अब उसका भाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, X+3 हो जाएगा। कह रहा है कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन जो थी वह 6 वर्ष की थी, मतलब उसकी बहन जो है वो उसके भाई से 6 वर्ष अधिक थी, तो कितना हो जाएगा, X+3 तो इसका था ही, तो X+ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। X+3 में 6 वर्ष और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, X+9। ये वो हो गया, उसका भाई हो गया, ये हो गया ब्रदर, और ये स्वयं हो गया, और इसका ये क्या हो गई, उसकी सिस्टर, ठीक है। इन तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 3X+12, और इसका मान दिया गया है 14, अगर औसत है तो तीन लोगों का औसत में गुणा करने को तो टोटल वर्क आयु निकल जाता है, 14 तरीक कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। यहाँ पे 3X का मान निकालेंगे तो ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ X से कटाएंगे तो ये 10-12 आ जाएगा, तो X का मान 10 आ गया, X मतलब 10, X किसका मान माने हैं, X वो स्वयं है। तो हमसे पूछा है कि अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी, उसकी बहन की आयु कितनी होगी, X+9, तो X का मान 10 है, और 10+ कितना हो जाएगा, 10+9, उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी, 19, कितनी हो जाएगी, 19, जो उसकी बहन की आयु है इस टाइम कितना है, 19 वर्ष, जो कि ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज जो कहा था उसको करते चलिए और आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 वर्ष के अंतराल पर
पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है। इसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन है उसी पर ही ये भी है। तो देखिए कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी, ठीक है, 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु ज्ञात कीजिए। 4 वर्ष का जो अंतराल है इनका कितना है, 4 वर्ष का है, तो ठीक है, तो इनका जो योग है कितना है, 80 है। तो अगर हम मान लें कि एक का यक्ष है तो अगले का कितना हो जाएगा, यक्ष प्लस 4, अगले दूसरे वाले कितना हो जाएगा, यक्ष प्लस 8, और अगले वाले कितना हो जाएगा, यक्ष प्लस 12। कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो यहाँ पे एक और हो जाएगा यक्ष प्लस 16, ठीक है। कहा इनका इनका योग हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 80, और इनको जब जोड़ते हैं यक्ष कितना हो जाएगा, 5 यक्ष, और इसको जोड़ते हैं तो 12 4 16 16 16 32 8 40, कितना हो जा रहा है, 40। 5x प्लस 40 इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 5x प्लस 40, और इसका मान दिया कितना गया है, पहले से 80, इनका योग कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। ये 40 उस तरफ जाएगा तो बचेगा 40, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए 40/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 गुणा में है तो भाग होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 8। x का मान हमें पता चल गया है 8। तो पूछा गया है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है, तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा होगा, यक्स प्लस 16 होगा, यक्स का मान 8 है, तो 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 16 8 24, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसका जो उम्र है कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। देखिए एक ही टाइप के हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस जो है वो 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि इसकी चाल में 3 किलोमीटर कम हो जाती तो उस दूरी को तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आप लोग जानते हैं कि 20 मिनट में वो 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है स्पीड डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना दिया गया है, 5 किलोमीटर, अगर ये किलोमीटर में है तो इसको क्या होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो घंटे में बदलने के लिए हम 20 मिनट को अगर हम घंटे में बदलना चाहें तो क्या करना होगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 1/3 घंटा, ठीक है। तो 1/3 घंटा, तो 1/3, 5 में 1/3 से हम भाग देंगे तो ये जानते हैं ये तीसरी राशि है, ये क्या हो जाएगी, ऊपर जाके गुणा हो जाएगी, तो इसका जो स्पीड हो जाएगा 5 × 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जो इसका स्पीड हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले हमें ये पता चल गया है, कह रहा है कि 15 से 3 किलोमीटर कम हो जाए, पहले 15 था तो अब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इनका जो टाइम लगेगा वो लग रहा था पहले 12 टाइम होता, स्पीड का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 से 15, कह रहा है कि हो जाता है तो तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर जब वो 3 किलोमीटर कम कर दे तब समय कितना लगेगा, 12 पहले 12 यूनिट लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 15, इसको हम कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, 4 और 5, पहले 4 यूनिट का समय लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 5 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि पहले वो 20 मिनट लग रहा था, 20 मिनट का वैल्यू यूनिट कितना है, 4 है, तो 5 का मान कितना होगा, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20, और 5 × 5, तो अब जो लगेगा टाइम कितना लगेगा, 25 मिनट, पहले कितना लगता था उसे, 20 मिनट लगता था, अब कितना लगेगा, 25 मिनट, क्योंकि उसका जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रहा है, जब कम हो रहा है तो आप लोग जानते हैं उसका जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से भी एलिमिनेट कर सकते थे, देखें ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होता, ये 30 और 25, अगर कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा ये भी 25 से कम रहेगा, तो आप लोग सीधा सीधा इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी कर सकते हैं, अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तब, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी स्पीड जिसकी कम होगी उसका टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेमी, 7 सेमी और 10 सेमी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 5, 7, 10, ये कोई ट्रिपलेट भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, जिसे आप लोग शुरू से ही बोला जाता है कि हीरोज फार्मूला। ये क्या होता है, ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए काम आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या होता है फार्मूला, जब भी ऐसे हीरोज फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अंडर रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी क्या होता है,
यस माइनस सी। अब आप लोग समझिएगा ये यस क्या है और ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए बी सी जो है वो क्या है, त्रिभुज की भुजा है, और यस क्या है, उनका अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप क्या होता है कि ए प्लस बी प्लस सी अपान टू, मतलब तीनों भुजाओं का योग, मतलब परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। ठीक, बस इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, हमें देखिए अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, तो हमारा जो योग होगा 7, 5, 12, 10, 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा 11। तो हम कह सकते 22 का आधा कितना हो जाएगा 11, 22/2 का मान कितना हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा यस का मान हो जाएगा। तो हम जानते हैं त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यस एस माइनस बी, तो ये 11 हो जाएगा, और ये 11 माइनस कितना हो जाएगा 5, दूसरे वाले में क्या हो जाएगा 11 माइनस 7, और तीसरे वाले में 11 माइनस 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काम करेंगे तो 11 गुणे ये 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 11 गुणे 6, और यहाँ पे 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा कितना 4 बचेगा, और यहाँ 11 में से 1 जाएगा 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इनका रूट में होगा। तो अब इसको हम बाहर निकालेंगे, क्या क्या बाहर निकलेगा देखिएगा, इसमें से देखिए निकलेगा सिर्फ यही, बाकी ये लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो 4 का वर्गमूल निकल होता है कितना 2, 2√66, 2√66 क्या हो जाएगा इनका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन को हीरोज फार्मूला से सॉल्व किया जाता है। हीरोज फार्मूला क्या होता है, रूट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4 और 5 है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो कितना है 8 और 15, इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए पहली बात, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को कुछ बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए त्रिभुज के। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप कई तरीके से कई त्रिभुज को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी त्रिभुज का अगर हमें आधार और ऊंचाई पता है तो उसका क्षेत्रफल हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का जो फार्मूला कई ठो होता है, तो एक त्रिभुज का फार्मूला ये भी होता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, हमें आधार और ऊंचाई पता चल जाए तो भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपको यही इसी वाले कंडीशन को फॉलो करा करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें देखिए दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों का आधार हमें पता है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि देखिए किसी भी त्रिभुज में एक त्रिभुज ये 1 मान लेते हैं, और इसका आधार 1, आधार 1, और ये उसका ऊंचाई 1। इसको देखिए अब अंग्रेजी में लिखते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 8 और 15 क्षेत्रफल दिया गया है। तो इसका जो आधार का मान हो जाएगा ये देखिए 1/2 होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 होगा, गुणे आधार को हम लिख देते हैं बी। आधार का हमें मान दिया गया है कितना 4 यूनिट। ठीक है, हम इसको यक्स मान लेते हैं, या इसको ना भी माने क्योंकि हमारा दोनों कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4x, इसको हम 4x मान लेते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इनके आधार का अनुपात। ठीक है, 4x आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को हम मान लेते हैं h1। ठीक है, अब इसी को फिर 1/2 गुणे आधार का मान क्या दिया गया है 5x। ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा h2। ठीक है, बस अब इसी को क्वेश्चन से सॉल्व करके हम h1 और h2 का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 1/2 से 1/2 तो कट जाएगा, x से x कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार में, 4 × 8, 5 से कितनी जाएगा 3 बार मिटाएगा। तो यहाँ से देखिए h1 और h2 का जो अनुपात निकल के आया, हम कह सकते हैं कि h1 के बराबर 2 है, तो h1 और h2 का जो रेशियो h के सामने 2 है 2 हो जाएगा, और h2 के सामने कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से h1 और h2 का अनुपात निकल के आ गया है, क्या आया है 2/3। हमसे h1 और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा था 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आपको अगर बेसिक मेथड पता है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 सेमी है, इसकी अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग को जब हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो उसमें आप लोग को सिखाए हैं इसके तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक फार्मूला आप लोग को जान लीजिए, जो त्रिभुज का अंतर्वृत्त का त्रिज्या होती है उसके बराबर होता है डेल अपान यस। इस वाले फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इस तरीके क्वेश्चन, इस पर बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे ज्योमेट्री से। बाकी ये देखिए यहाँ से हमें अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या है
वो कितनी है, हमें दिया गया है 3.5, 3.5 को हम लिख सकते हैं क्या, 7/2 लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया नहीं दिया गया, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को ऐसे ही लिख देते हैं। और हमें यहाँ से अर्ध परिमाप, यहाँ का देखिए त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 28 है। यस का क्या मतलब होता है, यस यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे जो यस है वो क्या है, अर्ध परिमाप है, ठीक है, अर्ध परिमाप। और ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये आर क्या है, त्रिज्या, ये कौन सी त्रिज्या है, स्मॉल आर जब भी देखें आप लोग तो समझ लीजिएगा वो क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या, मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारा 7/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो उनका 28 परिमाप है तो उनका जो अर्ध परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ से 2 से कटेगा कितनी बार, 7 में, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये 7 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 49 सेमी स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही हमसे पूछा गया था, 49 सेमी स्क्वायर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए आज आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, जो कि लगा करके आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप लोग की तैयारी कैसी है, इस क्वेश्चन के लेवल को समझिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने आपके सही हुए हैं, कितने आप बिना हमारे अप्रोच के सीख सकते हैं। अब बाकी आप लोग को हमारा अप्रोच कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, धन्यवाद।